ये पेंसिल पाउच बनाना सीखेंगे, तो ऐसा ही पेंसिल पाउच बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेंसिल पाउच बनाना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे हम तीन पीस काटे हैं, दो पीस कपड़े का, एक फॉर्म लिए हैं। इसकी लंबाई सबसे पहले हम नाप कर देख लेंगे कि कितना है। 8.5 इंच रखे हैं और इधर से चौड़ाई भी इसकी 8 इंच रखे हैं और कपड़ा भी थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा बढ़ाए हैं चारों तरफ से। दो दो पॉइंट कपड़ा चारों तरफ से बढ़ा दिए हैं और इसको हम बीच में रख के फिर हम साइड में लगाने के लिए ये दो फोम लिए हैं। इसको गोलाई के आकार में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये पीस भी हमने तीन तीन पीस काट लिया है, इसको बीच में फोम को बीच में रखेंगे। ये दोनों साइड कपड़ा लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम मशीन से दो तरफ सिलाई हम लगा दिए, फिर ऐसे तिरछा तिरछा सिलाई लगा देंगे एक एक इंच की दूरी पे। इसे भी ऐसे गुलाई में सिलाई लगा देंगे तीनों को बराबर पकड़ के। हाँ, ये अब हमने ये इसे भी सिलाई चला कर इसको भी हम रेडी कर लिए। अब इसके ऊपर हम इसको भी सेट करेंगे। इसको हम गुलाई से ज्वाइन कर लेंगे। इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, देख सकते हैं। इसी तरह फिर हम दूसरे साइड भी इसको जो लगा लेंगे। ये रेडी कर लिए हैं, ये हो गया है। अब यहाँ पे हम चैन को एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये चैन पहले देख लेंगे उल्टा सीधा इसको, फिर इस तरह से हम मशीन से कर देंगे। दूसरा तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। बोलो। यहाँ पे सुंदर लुक के लिए हम तीन ठो मोती लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेंसिल पाउच बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना गोल हुआ है ये। आगे फ्रंट पे हमने मोती लगा दिया है सुंदर लुक के लिए, देख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच।